और राम मात्र हिंदू ही नहीं मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। जो शैतान है वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है? दूसरा सवाल है क्या कलयुग आ चुका है? तीसरा सवाल है क्या हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं? और चौथा सवाल है कल के अवतार के बारे में। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है, तो शैतान का सदर है उसका नाम कुरान मजीद में इबलीस है, लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है, हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुबहाना ताले की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं, जो अल्लाह सुबहाना ताले खिलाफ जाते उसे कहते हैं शैतान। तो शैतान इंसानों में से भी है और जिन में से भी है, और इसका जिक्र दिगर मजाहब की किताब में भी है। शैतान डेविल बोलो, अंग्रेजी में डेविल कहते हैं, बाइबल में उसका नाम है डेविल, उस तरीके से हिंदू मजहब बाकी मजहब की किताब में भी लिखा है शैतान, और पारसी किताब में अहरमान। तो हर मजहब में देयर इज एन ईविल फोर्स, उसे शैतान कहो डेविल कहो इबलीस कहो। आपका दूसरा सवाल है जो कलयुग, ये कलयुग आ चुका है। आपका तीसरा सवाल कि हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं कहने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिश्कात अल मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में सफ़ा नंबर 265 और 266 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25, लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, वह इम मिन उम्मतिन इल्ला खलाफिया नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुबहाना व ताला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वली कुल्ली कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछते हैं हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे, क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे, क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पैगंबर थे, मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है, मे बी हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है, ये कहना गलत है। तो श्री कृष्ण श्री राम हो सकता है पैगंबर थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन अगर वो पैगंबर थे, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, अपनी कौम के लिए, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए आज आप चाहे इंडिया में जी रहे हैं या अमेरिका में या यूके में या सऊदी अरेबिया में, आज आखिरी पैगंबर जो कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बला के, सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। तो आज चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या यूएसए में या यूके में या सिंगापुर में या सऊदी में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और ये लिखा है हिंदू मजहब की किताब में भी। जिस तरीके से आपने कहा कल के अवतार के बारे में, इसके ऊपर तकरीर दी थी मैंने लास्ट सैटरडे, एक हफ्ता पहले,
15 तारीख को इसी स्टेज पे एक हफ्ते पहले मैं तकरीर किया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, और उसमें मैंने कल्कि अवतार का भी जिक्र किया था। लिखा है कल्कि पुराना में चैप्टर नंबर 2 में वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में कि कल्कि अवतार आएंगे, भविष्यवाणी है। उसके वालिद का नाम है विष्णु व्यास, तर्जुमा करते हो जाता है अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। उसके वालदा का नाम है सुमति, तर्जुमा होता है अमन रखने वाली औरत, जिसका तर्जुमा होता है आमिना। कहा गया है कि वो पैदा होंगे संभाला में, अमन की जगह, तर्जुमा है मक्का। वो पैदा होंगे उस संभाला देश के सदर के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा। इस तरीके से डिटेल में मैंने जिक्र किया था एक हफ्ते पहले कल्कि अवतार। ये कल्कि अवतार है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये बात अपने वालिद से कह सकते और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपके वालिद को भी हिदायत मिले। अस्सलाम वालेकुम। भाई ने सवाल किया कि वेस्टर्न कल्चर हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है और ये परक्यूरेट कर रहा है, और जिस तरीके से कुरान में लिखा है वो जिक्र कर रहे हैं हदीस के बारे में, कई सही हदीस है और कुछ बात कुरान में भी लिखी है कि क़यामत के दिन जो हशर होगा, नफ्सा नफ्सी का हशर होगा, और ये लिखा है किस तरीके से औरत बर्ताव करेंगे, किस तरीके से इंसान भटकेंगे, वो ये कह रहा है कि आपके पैगाम की वजह से ये चीज़ जो कुरान और हदीस में लिखी है ये इस चीज़ को रोक रही है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा? और जो कुछ कुरान में लिखा है मुस्तकबिल के बारे में, क्या ये अमल में आएगा कि नहीं? भाई साहब, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोटा इंसान हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं अपने आप को मौलाना कहता हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा बल्लिगो अन्नी वला आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल के पैगाम और इस्लाम के पैगाम को फैलाऊं, जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं उसको फैला रहा हूँ, और ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी जो है मीडिया, इसके बारे में कल जिक्र करूँगा, नुकसान भी फ़ायदे भी है, हमें नुकसान को फ़ायदे में बदलना चाहिए। कल उसका टॉपिक है मीडिया इन इस्लाम वॉर ऑफ पीस, मीडिया और इस्लाम जंग या अमन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मीडिया के ज़रिए अक्सर हराम काम हो रहा है उसको हलाल में तब्दील करूँ, ये नाचीज़ की कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश है, उससे आप देखते हैं कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है। लेकिन जो कुछ कुरान में लिखा है, जो कुछ हदीस में लिखा है सही हदीस में, वो 100% इंशाल्लाह ज़रूर होगा, इंशाल्लाह कितनी भी हम कोशिश करें। लेकिन ये कहना कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरन, कि हमने भेजा एक आलमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके। अक्सर लोग इसे नहीं मानते, कुरान में लिखा है अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे। आयत के मुताबिक आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जब तक आखिरत नहीं नज़दीक आएंगी, जब तक क़यामत नज़दीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात ख़त्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चाँद एक हो जाएंगे, कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा, ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका जिक्र करता है, सही हदीस जिसका जिक्र करती है, और आप देखेंगे कई मॉडल है। एक मॉडल जो एग्जीबिशन में है अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे, जिस तरीके से पानी पे झाग है फ्रॉथ बड़ी तादाद में, लेकिन ये मुसलमान का कोई फ़ायदा नहीं, ये नाम के मुसलमान होंगे, मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे जिस तरीके से पानी में झाग है। इसीलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला से कि हमें
ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا. صرف نام کا مسلمان نہیں, نام کے مسلمان سے محمد, ذاکر, عبداللہ, سلطان سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے, اسے کہتے اصل مسلمان. تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے, اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے. اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا. ہمارا کام کر رہے جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں پہ شہادت دو. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے, اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا, ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. ہوپ دین سے کوشش.